हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएससी 2020 के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन टू क्या आ सकता है। दोस्तों इस साल क्वेश्चन टू जो है वो ऑर्गेनिक आने वाला है। क्वेश्चंस जो आएंगे वो 2018 और 2017 के कॉम्बिनेशन में से आएंगे। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पर दिखा दिया है। आपको दो कंपाउंड दिए जाएंगे दोस्तों, C13 और C14। इन C13 और C14 टेस्ट ट्यूब्स में अवेलेबल रहेंगे। इन कंपाउंड्स के साथ आपको क्या एक्सपेरिमेंट्स करना है वो प्रोसीजर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, ये C13 जैसे जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है सब्सटेंस C13 से रिलेटेड, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करते हुए जो जो सॉल्यूशंस उसमें, जो जो केमिकल्स उसमें डालने को कहा गया है आप वैसा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 3 एक्सपेरिमेंट्स आपको C13 के बारे में मेंशन है दोस्तों। इसी तरह से कुछ 3 एक्सपेरिमेंट आपको वहाँ पे मेंशन रहेंगे। ये ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, 1 में ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, 2 में दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये ऑर्डरिंग ऊपर नीचे हो सकता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप। आप एक्सपेरिमेंट्स को इन केमिकल रिएजेंट से पहचाने, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में यहाँ टॉलेंस रिएजेंट है, दूसरे में आप देखें यहाँ पे पैरोगेलल सोल्यूशन है, तीसरे में आप देखें यहाँ पे रिसोर्सिनॉल है, तो आप इससे याद रखेंगे दोस्तों। तो अब करना क्या है दोस्तों, कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, तो आप देखिए दोस्तों। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पे आंसर 2 लिखना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेडिंग में आप सब्सटेंस C13 ले दीजिएगा। उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइएगा जिसमें 3 कॉलम होंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट पार्ट में आप पूरा का पूरा जो जिस ऑर्डर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे सब्सटेंस C13 का ये जो पहला एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे एज इट इज़, कोई चेंज नहीं करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है वो ये है, तो आप इसे याद रखें। जैसा मैंने कहा है आप इसको रिएजेंट से याद रखें, टॉलेंस रिएजेंट का आंसर ये होगा। एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करें, अगर रिज़ल्ट नहीं भी आ रहा है तो भी आपको यही लिखना होगा, इसमें से कोई भी चीज़ आप चेंज नहीं करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन जैसा आप देख रहे हैं, सिल्वर मिरर फॉर्म्स एट द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एग्जैक्टली इसी को लिखिएगा आप दोस्तों। उसके बाद इन्फरेंस में आप लिख दीजिएगा फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट। उसी तरह एक्सपेरिमेंट 2 जो है C13 का एज इट इज़, आप इसको कॉपी कर दीजिएगा यहाँ पर और इसको याद रखिएगा पायरोगैलोल सॉल्यूशन से। और इसका ऑब्जर्वेशन होगा दोस्तों, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विथ चेंजेस टू पिंक एंड देन डीप रेड। नाउ ये प्रोसेस या ऑब्जर्वेशन हर स्टेप में आपको लिखना जरूरी है दोस्तों। ये जैसे मैंने लिखा वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विथ चेंजेस टू पिंक एंड देन डीप रेड, अगर ये आप नहीं लिखते हैं, अगर आप सिर्फ वाइट प्रेसिपिटेट लिखते हैं तो पूरी नंबर नहीं मिलेंगी। उसके बाद इन्फरेंस में आप लिख दीजिएगा फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट। उसी तरह एक्सपेरिमेंट 3 जो है उसको आप कॉपी कर दीजिएगा एज इट इज़ यहाँ पर और इसका ऑब्जर्वेशन होगा, जैसे आप एक्सपेरिमेंट 3 को याद रखेंगे रिसोर्सिनॉल से, और इसका ऑब्जर्वेशन होगा रेड रिंग लेयर इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द 2 लिक्विड्स एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन द एक्वस लेयर। दोस्तों जो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे वो कीवर्ड्स है वो प्रेजेंट होना आपके आंसर में ज़रूरी है। उसके बाद इन्फरेंस में फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट। दोस्तों इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस लिखने के बाद आपको फाइनली एक कंक्लूजन लिखना होगा जिसमें आप लिखेंगे कि सब्सटेंस C13 इज फॉर्मल्डिहाइड। दोस्तों जैसा आप जानते हैं ऑर्गेनिक की क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स की आती है। ये 4 मार्क्स जो है 2 और 2 में डिवाइडेड रहता है, यानी C13 के लिए 2 मार्क्स है और C14 के लिए 2 मार्क्स है। ना ये C13 में सब डिवीजन कैसा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 एक्सपेरिमेंट है, इन तीनों एक्सपेरिमेंट में हाफ मार्क्स करके है, यानी करेक्ट ऑब्जर्वेशन अगर आपने लिखा है तो आपको हाफ मार्क्स करके मिलेंगे और ये फाइनल कंक्लूजन पे हाफ मार्क्स है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ कमेंट्स ऑफ ISC एग्जामिनर्स और कॉमन एरर्स जो उन्होंने मेंशन किया था वो नोट डाउन किया है यहाँ पर। तो ये सारे जो कंपाइलेशन है ये 2018-2017 के कमेंट से है, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट आए थे इसलिए आप इसको ध्यान रखें, मैं रीड आउट कर दे रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ने रिंग और मिरर के ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक किया था। जैसे आप जानते हैं यहाँ सिल्वर मिरर लिखना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, थर्ड में लिखना है रेड रिंग, तो ये मिक्स नहीं करना है, लाइक ऊपर में सिल्वर रिंग और नीचे में रेड मिरर, इस तरह से कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ सिक्वेंशियल ऑब्जर्वेशंस नहीं लिस्टेड थे। जैसे मैंने कहा जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में C13 के एक्सपेरिमेंट्स मेंशन है उसी ऑर्डर में आप उसको ऑब्जर्वेशन फाइनल ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे जैसे डिस्प्लेड है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन
टू जो है, ये क्वेश्चन वन आया, ये सपोज टू आया और ये थ्री आया, तो आप उसी तरह से पहले वन लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर थ्री लिखेंगे। ये ऑर्डर मेरे क्वेश्चन का मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है बोर्ड्स के ऑर्डर से, तो इसका ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में जो ऑर्डर रहेगा वही ऑर्डर आप लिखेंगे अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में। बस आप कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन याद रखें ताकि ऑर्डर कोई भी आए, रिएजेंट से आप पहचान जाएंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन होने वाला है और उसे करेक्टली आप लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों देखें, यहाँ पे है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था राइट डाउन ऑल द चेंजेस टेकिंग प्लेस एट ईच स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कुछ लोगों ने समरी दिया, जैसा मैंने कहा यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच चेंजेस टू पिंक एंड देन डीप रेड। अगर आप सिर्फ लिखते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड या फाइनल लिखते हैं कि रेड या पिंक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ये इंटरमीडिएट पार्ट नहीं लिखते, लाइक चेंजेस टू दिस या कुछ भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन होता है, अगर आप कंप्लीट नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। कॉमन मिस्टेक्स में आप देखिए फर्स्ट पार्ट जो सिल्वर मिरर वाला ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, उसमें स्टूडेंट्स ने इंस्टेड ऑफ सिल्वर मिरर कैंडिडेट्स रिपोर्टेड ब्लैक मास प्रेसिपिटेट सोल्यूशन। अगेन ये नहीं करना है आपको, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड लिखना है द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड वाला था, इसमें जो कॉमन मिस्टेक जो सब करते हैं, प्रेसिपिटेट के जगह में कलर यूज करते हैं टर्म या ऐसा कुछ, आप देख लीजिए इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन वॉज गिवेन चेंज दैट इज चेंजेस टू पिंक और रेड इंस्टेड ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट चेंजेस टू पिंक एंड फाइनली रेड। तो आपको सिर्फ चेंजेस टू पिंक और रेड नहीं लिखना है, आपको लिखना है व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विथ चेंजेस टू पिंक एंड फाइनली रेड। उसी तरह दोस्तों आप देख रहे हैं पार्ट थ्री एक्सपेरिमेंट थ्री का जो रेड रिंग वाला पार्ट है, उसमें आपको रेड रिंग वॉज रिपोर्टेड एज कलर्ड प्रेसिपिटेट, ना ये नहीं करना है आपको, लिखना है रेड रिंग, आपने नहीं लिखना है रेड कलर इज फॉर्म्ड या रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। उसके बाद आपको लिखना है व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन द एक्वस लेयर, ना ये नहीं लिखे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग व्हाइट कलरेशन लिख देते हैं, इसका ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों ये थी बात C13 से रिलेटेड, आइए देखते हैं C14 में क्या है। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि सब्सटेंस C14 में भी तीन एक्सपेरिमेंट्स आपको मेंशन रहेंगे, जैसा मैंने कहा ये ऑर्डरिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है। एक्सपेरिमेंट वन जो है आप देखिए वहाँ पे लिखा रहेगा सोडियम बाइसल्फाइड या NaHSO3, आप इससे इस एक्सपेरिमेंट को याद रखेंगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन, इससे आप इसको याद रखेंगे। थर्ड में आप देखिए लिखा हुआ आयोडीन, क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन, इससे आप इस एक्सपेरिमेंट को याद रखेंगे। जैसे मैंने कहा इसमें भी ऑर्डरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बोर्ड्स में जो ऑर्डर दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में वही ऑर्डर आप फॉलो करके इसमें लिखेंगे। इसमें भी आपको ऑब्जर्वेशन जब आंसर लिखेंगे तो पहले एक हेडिंग दे देंगे सब्सटेंस C14, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, इसमें तीन कॉलम होगा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। इसमें भी आप क्या करेंगे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज़, और जैसे मैंने कहा कि सोडियम बाइसल्फाइड से आप इसको पहचानेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन याद रखिए होगा व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, याद रखिए प्रेसिपिटेट कलरेशन नहीं। इन्फरेंस में आप लिख दीजिएगा एसीटोन प्रेजेंट। उसके बाद दोस्तों आप देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो मैंशनड है वो एज इट इज़ आप यहाँ कॉपी करेंगे, इसको याद रखना है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के टर्म से, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है अ वायलेट या फिर आप लिख सकते हैं रेड या फिर आप लिख सकते हैं वाइन रेड कलरेशन इज प्रोड्यूस, नो याद रखिए इसमें आप प्रेसिपिटेट नहीं लिखेंगे। इन्फरेंस एसीटोन प्रेजेंट। फिर जो थर्ड एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आप एज इट इज़ उसको कॉपी कर देंगे, इसको याद रखना है क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन से, नाउ इसमें आपके ऑब्जर्वेशन होगा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इज ऑब्टेंड, याद रखिए येलो कलरेशन नहीं, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इज ऑब्टेंड, ऑब्जर्वेशन एसीटोन प्रेजेंट। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन आप लिख देंगे सब्सटेंस C14 इज एसीटोन, और जैसा आप जानते हैं मार्क्स डिवीजन, इसके करेक्ट ऑब्जर्वेशन पे हाफ मार्क्स है, इसके करेक्ट ऑब्जर्वेशन पे हाफ मार्क्स है, इसमें हाफ और फिर फाइनली इसमें हाफ, यानी टोटल में 2 मार्क्स है। दोस्तों इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी कुछ कमेंट्स है ऐसे एग्जामिनर्स के और कुछ एरर्स है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप देखिए जो कॉमन कमेंट्स है एग्जामिनर्स के वो कॉमन है जो C13 के बारे में थे, तो मैं उसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो कॉमन ऑब्जर्वेशंस थे जैसे कि आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट्स करना है, ऑब्जर्वेशन लिस्ट करना है, उसके बाद हर स्टेप का रिपोर्ट आपको करना है, ये सब आप जैसा मैंने डिस्कस किया था वैसे ही करना है। कॉमन एरर्स की बात करें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड वाला जिसमें व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, उसमें क्या मिस्टेक होता है देखिए, सम कैंडिडेट्स रिपोर्टेड एवोल्यूशन ऑफ अ सफोकेटिंग गैस इंस्टेड ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेंड।
सो अगेन सफोकेटिंग गैस आपको नहीं मेंशन करना है, आपको सिर्फ वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेंड। उसके बाद आप देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट जिसमें वायलेट कलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, उसमें आपको क्या लिखना था, मेनी कैंडिडेट्स रिपोर्टेड रेड प्रेसिपिटेट इंस्टेड ऑफ रेड या वायलेट सोल्यूशन या कलरेशन। सो अगेन याद रखिए आपको प्रेसिपिटेट यहाँ पे नहीं लिखना है, जैसे मैंने कहा सोल्यूशन या कलरेशन आप टर्म यूज़ करेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था जिसमें आपको येलो प्रेसिपिटेट वाइडोफॉर्म फॉर्म्ड, उसमें बहुत लोगों ने लिखा था ब्राउन प्रेसिपिटेट या येलो सोल्यूशन, ये नहीं लिखना है। और कईयों ने लिख दिया था येलो सोल्यूशन डिसअपीयर्ड ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ आपको क्या लिखना था, आप लिखेगा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म इज फॉर्म। सिंपल सा चीज़ याद रखिए, एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस आप याद कर लीजिए, तीन और तीन मिला के टोटल छः एक्सपेरिमेंट्स है, छः ऑब्जर्वेशन याद रखना, कोई भी डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी ISC 2020 में आने वाली ऑर्गेनिक की क्वेश्चन 2 की डिटेल्स। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।